वेलकम बैक पीकेपी। कैसे आप सभी लोग, आज इस वाली वीडियो में आ चुका है भाई बहुत कुछ करके गाना एमी में बनता है फ्लोबो एंड वन एंड ओनली यंग गालिब के साथ। तो देखते हैं भाई क्या सीन फाड़ा भाई तीनों ने, एक नंबर वाइब्स होने वाली मेरे हिसाब से इस गाने की। एंड होल हार्टेडली एल्बम से वापस से ट्रैक, लेट्स गो भाई। इतना तो भाई हम वेट नहीं कर सकते भाई गाना सुनने के लिए, है ना भाई, सुन ले भाई जल्दी से। ये वाली बंडाई ने किसी उसमें तो पहनी भाई शायद से ये वाली, रुको रुको रुको। वैसे आज पहली बार टाइम पे वीडियो आई है भाई, पहली बार ऐसा हुआ कि टाइम पे वीडियो आ गई भाई बंडाई। मैं वेट कर रहा था, मैंने कहा यार 12 बजे तो आने वाली नहीं है, तो अपना आराम से 1:15 बजे के आसपास देखेंगे आ जाएगी। ये एमवी ने ना नई साउंड डिस्कवर करी है, जो ये जो अभी बज रही है ना बैकग्राउंड में, ऐसा पहले नहीं देखने को मिलता था मेरे हिसाब से, मैं ऐसा मानता हूँ, मे बी मैं गलत हूँ बट हाँ मेरे हिसाब से। जो सब लोगों से मिलते अब उन वैसों से नहीं मिलते, ये खरीदने चले सुकून जो पैसों से नहीं मिलते, जो आस रखे औरों पे और हसल करे इसके बेटा पानी दिए बिना फूल वैसे भी नहीं खिलते बेटा लॉयल है, वैसे भी ये दुनिया डिसलॉयल है, ढस लिया असली कौन कैसे आजमाए। यस फाइनली एक और गाना मिल चुका है हमें अपनी प्लेलिस्ट के अंदर दोस्तों। पे डिस दिया उड़ा इनकी माँ मेरी माए बे, गाली किया म्यूट आखिरत की परवाह है बे, मुझे जवाब देना उसे भाई। पता है सारी चीजों के जवाब दिए जा रहे हैं इस गाने में, मैं समझ चुका हूँ भाई ये लेवल का गाना होने वाला है। एंड होल हार्टेडली में यार मेलेडी वाले गाने थे, कहाँ से आ गए ये एकदम इतना भारी भरकम स्टफ, कहाँ से आ चुका है भाई गाने के अंदर। बे डिस दिया उड़ा इनकी माँ मेरी माए बे, गाली किया म्यूट आखिरत की परवाह है बे, मुझे जवाब देना। वैसे इस लाइन का रेफरेंस मैं दे देता हूँ आप लोगों को जिसको नहीं पता, बाकी ये गाने में थोड़े पॉजेस होंगे गाइज, क्योंकि मेरे को आपको गाना भी समझाना है क्या कौन सी लाइन पे कहाँ पे रिलेट हो रहा है। तो ये उस लाइन की बात कर रहे हैं, मचाएंगे 4 जो एमवे बंटाई का ट्रैक आया था उसमें बहुत ज़्यादा गालियाँ दी गई थी, ठीक है माँ बहन की गालियाँ हो गई थी उसमें, ठीक है। बट एमवे कह रहा है कि यार मैंने डिस उड़ा दिया क्योंकि तेरी माँ मेरी माँ है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैंने गाली भी म्यूट कर दी। जो डिस मैंने निकाला था वो गुस्से में निकाल दिया था क्योंकि आप हमारी बंदी को बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो ये मीनिंग है इस लाइन का, ठीक है। उसे गलत है तो गलत है, किया म्यूट आखिरत की परवाह है बे, मुझे जवाब देना उसे, गलत है तो गलत है मानता हूँ हराम है बे म्यूजिक, ये रैप सारे नकली वाले 700 वाले ब्लू टी के नकली ब्रांड उठा रहे जाके अंधेरी की बूटिंग, फ्लो हर बार यूनिक मेरे गाने की है शूटिंग, मैं बिजी रैपर बिजी यू बिजी लाने में न्यू थिंग, बीफ मतलब वॉर दू मैं बिजी रैपर बिजी लाने में न्यू थिंग्स, जो शुरू का मैंने न्यू साउंड एक रिकवर वो बताया था आपको, जैसे व्लादिमीर पुतिन हाँ 60 किलो ओ बिजी यू बिजी लाने में न्यू थिंग, बीफ मतलब वॉर दू जैसे व्लादिमीर पुतिन हाँ 60 किलो वजन 120 ग्राम प्रोटीन, रोज का इंटेक हाँ रोज का है रूटीन, दोस्त का है तेरे मेरे दोस्त आए 2-3, स्मोक चाहिए इन्हें तो फिर मिंटा कर रहा स्मोकिंग हाँ स्मोक चाहिए इन्हें तो फिर सुमित दे रहा 2-3। बहुत खुश दिल में है पर क्या नहीं रहा मैं, आ गया मेलोडी। और पता है मैं बहुत खतरनाक बात क्या लगती है भाई, मतलब यार बीफ में मिंटा का वो लिया गया था कि इनसे ज्यादा पैसे फूक दे मैं मिंटा दारू पीने में, ये कोई तो गाने में थी भाई ये लाइन है, तो मतलब यार भाई मिंटा यार एक नंबर बंदा लगता है बड़ा, मिंटा भाई सब करता है, फूक के भी है नशे भाई, बंटा ने बताया भाई गान में यार वो जो वाइब होती है ना मिंटा की, तो फिर नेक्स्ट लेवल चली जाती है इन बातों से। कुछ दिल में ये बंदा भाई एक नंबर लगता है मेरे को, इसकी आवाज सुनना तुम अभी अगर जिसने नहीं सुनी। बहुत कुछ दिल में पर कह नहीं रहा मैं, बहुत कुछ दिल में हम कह नहीं पाए, सबके सामने प्रूफ किया भगवान ने मुझे चूज किया, संभालने वाला कौन ये दुनिया जालिम महसूस किया, अब आने वाला वक्त सब आके बोले तू भूल गया, समझाऊ कैसे सब दबा के बातें में दूर गया, really I ain't playing ये रे चाले की एक कम
तू ना जाने कि मेरे तेरे बारे गम Screaming my name, मेरे fans number one Sorry, ops playing games, but they never gonna work क्योंकि इनके बातों में ना सच Everybody faking it, nobody I can trust लगता इनको शाने में दिखा दूँ where I'm from Stop playing, I'ma show you how we do it, yeah बहुत कुछ दिल में हम कहनी पाए बहुत कुछ दिल में है पर कहनी रहा मैं ये जैकेट कहाँ देखी है मैंने एमवीए की यार ये टी शर्ट शर्ट सॉरी और गालिब के वर्स के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं यार मेरे को गालिब बहुत अच्छा लगता है भाई बंदा यार उसके गाने बहुत सुनता हूँ मैं आजकल तो मैं सही बता रहा हूँ बहुत बहुत सारे जिम्मेदारी लिए सब सी मी फाइटिंग फॉर माय सेल्फ सी मी फाइटिंग फॉर माय ब्लड या काफी दिन में तभी बात चलेगा अब जितने साथ मेरे सब महसूस करे मैं वर्सेटाइल क्योंकि म्यूजिक मेरे सोल में और वैसे स्टाइल मेरा मालूम है ना बॉम्बे और रहता बिजी तो उठाता नहीं फोन में इतने सारे जख्म लगता जैसे लिया लोन में और ये उठाता नहीं फोन क्योंकि रहता अब मैं बिजी ये वाला गालिब का एक गाना है शायद से ऑल नाइट है या फिर गालिब करके गाना है कोई तो इनमें से दो है शायद से मैंने सुना है अब मैं तो बिजी अब उठाता नहीं फोन में कोई तो गाना है यार मेरे को सुनी क्योंकि ये लाइन में अभी मैं रिसेंटली बहुत सारे गालिब के गाने सुन रहा हूँ वो सीधा प्लेलिस्ट में चलते हैं तो ये वाली लाइन मैंने बहुत बार सुनी हुई है भाई मैं इतने सारे जख्म लगता कोई तो है ये कौन सा गाना था यार अब रहता बिजी मैं उठाता नहीं फोन में था भाई था 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 जैसे लिया लोन में चुकाओ कैसे हाँ जब प्यार उनसे मिला नहीं मिले बहुत पर कोई मेरे जैसा मिला नहीं ऊपर जाते तो ये दुनिया आती गिराने हाँ कौन आया ऊपर जो लाइफ में कभी गिरा नहीं शुक्र अदा करो जिंदा मिला कम नहीं जो है आज क्या पता रहेगा कल नहीं करता दुआ कभी आए बस घमंड नहीं बहुत कुछ है कहना पर कुछ कहने का है मन नहीं तेरे बिना हरे जगे हरे जुबान ये मत बोलना ये एंड थी भाई इतना छोटा गालिब का वर्स क्या भाई देखो यार ये बहुत गलत बात थी भाई भाई बंटाए का भी छोटा सा वर्स था इतना ज़्यादा बड़ा वर्स नहीं था गालिब का भी छोटा सा वर्स था फ्लोगोबो का भी छोटा सा ही वर्स था भाई यार ये डिसअपॉइंटमेंट थी भाई देखो यार यार ये भाई यार प्लेलिस्ट में तो भाई देखो मैं ऐड तो करूंगा इस गाने को बट भाई इतना छोटा वर्स यार हजम नहीं हो रही बात यार ये इतना छोटा क्यों था ये गाना यार डिसअपॉइंटमेंट हो गई भाई ये तो यार मुझे पहली बार गाना एक नंबर है भाई वर्स छोटा था यार क्यों था यार भाई और सुनना था भाई मेरे को भाई और सुनना था भाई यार कोई नहीं गाइस क्या कर सकते हैं आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना वैम्पायर वन करके मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है बहुत मजा आता है वहां पे भी आप मेरे से बात बात भी कर सकते हो पर्सनली तो कर देना गाइस बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सब्सक्राइब भी कर देना मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में तब तक ले बाय बाय टेक केयर लव यू गाइस